नमस्ते फ्रेंड्स। चलिए आज हम अपने आर एस अग्रवाल का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत, प्रतिशत। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी होगा प्रतिशत। ठीक, प्रतिशत को किससे डिनोट करते हैं? 1/100, किसी भी नंबर का डिवाइडेड बाय 100, 100 के अगेंस्ट में उसका वैल्यू कितना है, 100 रुपए के अगेंस्ट में उसका वैल्यू कितना है। तो ये हमारा जो है, फिर से हम आपको रिपीट कर दें, ये जो हमारा चैप्टर है परसेंटेज का है। स्पेलिंग गलत लिखी हुई, देखिए ये परसेंटेज होगा, ठीक है, प्रिंटिंग एरर है। ये हमारा चैप्टर 11 है, चैप्टर 11। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूले देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज देखें, क्या होता है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। तो कहता है बाय ए सर्टेन परसेंट वी मीन दैट मेनी हंड्रेड। ठीक है, वी मीन दैट मेनी हंड्रेड। बाय सर्टेन परसेंट का मतलब कि उसमें मतलब बहुत सारे हंड्रेड होंगे। तो मान लीजिए किसी 10x% मीन x100 रिटन एज x%। अगर x% कहने का मतलब कि x%, और इसको जो हम डिनोट करते हैं, इसको जो फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, टू एक्सप्रेस x% एज ए फ्रैक्शन, तो हमारे पास क्या होता है, x% इक्वल टू x/100। ठीक है, तो परसेंटेज को ऑलवेज हम 100 के डिनोमिनेटर में 100 रहेगा, न्यूमरेटर में जो भी नंबर है वो रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 20% है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 20/100 और 1/5। ठीक, 48% है, मतलब ये 48% कहने का मतलब 48/100, 100 के रिस्पेक्ट में कितना वैल्यू है, 48 है। तो इसको अगर हम करते हैं 4 से 12, 4 से 25। ठीक है, अब जैसे 1/4 है, 10 1/4। अब 1/4 को, ये तो हमने परसेंटेज को जनरल टर्म्स में कन्वर्ट किया, जनरल में, लेकिन वन अगर ये जनरल टर्म दिया हो तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ 1/4 दिया हो, तो यहाँ आपने डिवाइड किया था, तो किसी आपने डिवाइड किया था, अभी उसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या इसको अगर x/100 लिखते हैं, मान लीजिए 1/4 इक्वल टू x/100। ठीक है, यही होगा परसेंटेज के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 × 100। ठीक, 25%। ठीक, 1/4 100 का कितना है, 25%। उस तरफ 0.6 है, तो 0.6 को आप जो है 6/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यहाँ से डॉट हट जाएगा तो एक जीरो नीचे चला गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 3/5। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, तो x/100, x% कहने का मतलब x/100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/5 × 100। ठीक है, मतलब 20, 20 दिया 60%। ठीक है, ऐसे निकलता है। अब एक चीज आता है इसमें कि अभी फिर से इसको मिटा दे, जरा क्लियर कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड जो कहता है, इफ ए सर्टेन वैल्यू पी इंक्रीज बाई x%। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है पी और उसमें इंक्रीमेंट होता है x% का, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, x+100%। ठीक है, ऑफ पी, ठीक, ऑफ पी। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू पी जो है डिक्रीज करती है x% का, तो उसका वैल्यू होगा x-x, 100-x, ऑफ किसका, पी का। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, पहला ये, दूसरा
दूसरा यहाँ पे। अब तीसरा जो एक चीज कहता है, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाई आर परसेंट, मान लीजिए कोई कमोडिटी है उसका प्राइस जो है आर परसेंट इंक्रीज करता है, तो देन द रिडक्शन इन कंपोजिशन सो इनवर्सली होता है सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए प्राइस अगर कमोडिटी का इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे 1/r जिस परसेंटेज बाई आर से इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, आर बाई 100 इक्वल टू परसेंटेज। अब इसमें इंक्रीज कर रहा है आर परसेंट, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा। उसी तरह से अगर कमोडिटी प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे, आर बाई 100 इक्वल टू परसेंटेज होता है या एक्स बाई 100 इक्वल टू परसेंटेज होता है, लेकिन यहाँ आर दिया है तो आर परसेंट लिखेंगे और माइनस आर, ठीक है, इंटू 100%। ठीक, ये दो मेथड हो गए। तीसरा जो कहता है, देखिए रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, लेट द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन पी, मान लीजिए किसी टाउन का पॉपुलेशन पी है, नाउ एंड सपोज इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ आर परसेंट पर एनम। अगर ये आर परसेंट पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग बोलते थे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग होता है। तो फिर देखो पॉपुलेशन एन आफ्टर एन ईयर क्या हो जाएगा, पी फॉर पॉपुलेशन 1 + r/100^n² ठीक है, पी फॉर पॉपुलेशन आफ्टर 1 + r, r मतलब क्या हो गया, दैट इज रेट, रेट का परसेंट, 1 + r/n = ये हो जाएगा आपका पॉपुलेशन का रेट आफ्टर सर्टेन ईयर्स, दैट इज एन ईयर्स। अब पहले का क्या था, तो पहले वाले में यहाँ देखिए मल्टीप्लाई था, अभी इसको क्या हो गया, डिवाइड हो गया, पी बाई 1 + r/n। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन का देखिए फॉर्मूला, डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, मान लीजिए किस कोई मशीन आपने लिया, ठीक है, मान लीजिए कोई मशीन आपने लिया, डिप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होगा, कोई मशीन आपने लिया P, सपोज जो है ये डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ R परसेंट पर एनम, अगर ये हर साल R परसेंट कम हो रही है किसी भी चीज का, तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर एन ईयर्स, मान लीजिए कोई वैल्यू ऑफ मशीन जो है उसका एन ईयर्स मतलब नंबर ऑफ ईयर्स के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन में जस्ट पॉजिटिव था, इसी चीज को यहाँ पर डिप्रिसिएशन में क्या करेंगे, पी इंटू 1 - r/100^n। ठीक है, और वैल्यू ऑफ मशीन एन ईयर एगो, ठीक, वैल्यू ऑफ मशीन एन ईयर एगो, तो मशीन की वैल्यू एक साल पहले क्या थी, तो उसका जस्ट डिवाइड हो जाएगा 1 / r/100^n। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब यहां देखिए नेक्स्ट, ए इज ए आर परसेंट मोर देन बी, अब मान लीजिए ए इज आर परसेंट मोर देन बी, ठीक है, आर परसेंट मोर देन बी मतलब कहने का मतलब कि ए जो है किसका आर परसेंट है बी से ज्यादा, देन बी इज लेस देन बाई ए, देन मोर देन बी, देन बी इज लेस देन ए बाई क्या होगा, हमने यहां निकाला, ठीक, हमने ए इक्वल टू ए जो है आर परसेंट बी से ज्यादा है, तो कहता है कि बी का वैल्यू क्या होगा, बी जो है ए से कितना कम होगा, तो ए इतना हो गया आर बाई 100, ठीक है, प्लस आर इंटू 100%, ये फॉर्मूला होगा बी इक्वल टू, या इसको आर बाई 100 था तो ये आपका इतना हो जाएगा। दूसरा कहता है ए इज आर परसेंट लेस देन बी, देन बी इज मोर देन ए बाई, तो यहाँ माइनस हो जाएगा याद रखिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आते हैं, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब इसको परसेंटेज के टर्म में डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करना, यहाँ 56% 56% को 56/100 लिख सकते हैं, तो इसको आप करेंगे 4 से करिए, 4 * 4 = 16, ठीक है, और ये 25 मतलब इसका आंसर 14/25,
4% है, 4 बाई 100, 4 बाई 100 हो गया, मतलब 1 बाई 25 आ जाएगा आंसर इसका, 0.6%। तो 0.6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 बाई 10 लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 6 बाई 1000 इक्वल टू 3 बाई 500। सेम उसी तरह से 8 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। अब इसको डिसिमल में निकालना है आपको, तो 6% है, 6 बाई 100, ठीक है। अब आपको डेसिमल में निकालना है, सिंपल सा देखिए, ये 6 है ना, कितना जीरो है, कहीं दहाई सैकड़ा। आपको कुछ नहीं करना, पहले डॉट डालना है, उसके बाद कहीं दहाई, ठीक है। अब यहाँ से मिला लीजिए आप, कहीं दहाई सैकड़ा हो गया आंसर, दैट आंसर। 28% को निकालिए, 28 बाई 100, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा होना चाहिए, तो इकाई दहाई सैकड़ा बस हो गया आंसर। सेम इसी तरह से ये भी है, ठीक है। यहाँ 1 बाई 2% है, तो 1 बाई 2% के लिए 1 बाई 100 हो जाएगा, मतलब 1 बाई 200। 200 को इसको लिखेंगे तो 0.005 आंसर आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेट परसेंट। रेट के परसेंट के फॉर्म में आपको सबको बताना है, ठीक है। 23 बाई 36 इसको परसेंटेज में निकालना है, तो 23 बाई 36 रेट परसेंट में निकालना है, 100 करिए। अब आप करिए इसको, 4 नवा 36, 4 से 25, ठीक है, 4 से 25, 25 हो गया। अब इसको निकालिए, इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, तो आपको आ जाएगा 25 75 लगा 7, 25 दूना 50 है 7 57। फ्रेंड्स आपको जो है ना थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है, या मल्टीप्लिकेशन जो है, या गणित जो है, पहाड़ा याद करिए हिंदी में। हिंदी में पहाड़ा बहुत ही आसान है, जो आपको काम आएगा। यहाँ पे है 0.04%, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 4 बाई 100, ठीक है, 1000, हजार था ना, इकाई दाई सैकड़ा, और डॉट के लिए 10, 1000 इंटू परसेंटेज के फॉर्म में डालना है। 2 कट हो गया, 4 से 2 5 10, 2 4, ठीक है, 2 बाई 5। और इसको अगर डॉट में करते हैं तो 0.4 आंसर आएगा, इस तरह। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 70% ऑफ 320 एंड 45% ऑफ 240 आपको ये करना है। कहता है 70% ऑफ 320 प्लस 45% ऑफ 240 प्लस 45% ऑफ 240, ठीक है। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है आपको, 70 बाई 100 इंटू 320, और ये हो जाएगा 45 बाई 100 इंटू 240, ठीक है, आ गया। अब इसको कट करिए आप, 0, इसको गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 लगा, 1 17 21 1 25 माइनस, ये कितना आ जाएगा, 0 कट गया, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 से 12, 12 नवा 108। अब ये जोड़ दीजिए आप, 254 108 कितना, 8 4 12 लगा, 1 5 1 6 2 1 3, 362 आंसर होना चाहिए, सॉरी 332 आंसर है ना, और जोड़ में गलत हो रही है, 224 108 था, 224 यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, 7 दूना 14, 7 3 21 1 22 ही ना होगा, ठीक है, 224 आंसर इक्वल टू 320। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं, टू इज वाट परसेंट ऑफ 50, टू इज वाट परसेंट ऑफ 50, ठीक है, 50 का कितना परसेंट है, 2, तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, 2 इज वाट परसेंट ऑफ 50, वाट परसेंट ऑफ 50, 50 का
वाट परसेंट है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डालना है 2 by 50 into 100, और इसको कट करना है 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी तरह से यहाँ दिया है रिक्वायर्ड परसेंटेज हाफ पर, सेकंड सेम ही है, सारा वही चीज है। अब एक चीज यहाँ क्वेश्चन दिया 1 मीट्रिक टन, यहाँ देखिए व्हाट परसेंट ऑफ 2 मीट्रिक टन इक्वल टू 40 क्विंटल। अब यहाँ पर आप देखिए 2 मीट्रिक टन इज 40 क्विंटल, व्हाट परसेंट, 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, 10 क्विंटल या 10,000 kg। देखिए 10 क्विंटल, 1 मीट्रिक टन होता है 10 क्विंटल, तो कितना हो गया, 40 किलो है। ठीक है, तो 40 by 2 into 10, और ठीक है into 100, ये आंसर 200% आंसर आ गया। बस फ्रेंड्स इसी तरह आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं छठा नंबर क्या बोलता है। मैं हर एग्जांपल का एक एक बता देता हूँ, बाकी आप उसको करिएगा, और कहीं भी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। फाइंड द मिसिंग फिगर, आपको मिसिंग फिगर प्राप्त करना है, परसेंटेज ऑफ 25 इक्वल टू 2.125 वाट परसेंट। ठीक है, तो वाट इसको आप कर दीजिए बाई 100 ऑफ 25 इक्वल टू 2.125। अब आप इसको सिंपल सा ये कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, यहां से इसको आप कर सकते हैं 2500 का 100। ठीक है, तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.125 into 4, दैट इज आपका 8.5%। ठीक, अब यहाँ पर 9% ऑफ x इक्वल टू 63 है, 9 by 100 x वाज 63, तो ये 6.3 into 100 by 9 इक्वल टू 70। ठीक, दैट इज आंसर आपका। फ्रेंड्स परसेंटेज बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको बस हल्का सा ध्यान लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, सरोज इन्वेस्ट 72,318 विच इज 17% ऑफ हर एनुअल इनकम इन म्यूचुअल फंड, व्हाट इज हर मंथली इनकम। ये जो इन्वेस्ट किया था विच इज 17% ऑफ एनुअल इनकम है। ठीक, अब ये सिंपल सा है, 17% बराबर कितना है आपको, 72,318, तो 1% कितना हो गया, 72,318 divided by 17 * 100। बस इसको कर देना है, 4,25,400 आएगा। तो मंथली इनकम कितनी हो गई, ये सालाना इनकम हो गया, तो वन मंथ की इनकम बराबर डिवाइडेड बाई 12। एक क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज ऑफ 9% 13,407, फाइंड इट्स मार्केट वैल्यू। आपको एक प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इंक्लूसिव ऑफ सेलटेक्स ऑफ 9%, सेलटेक्स को 9% इंक्लूड करते हुए 13,407 रुपये, तो आपको मार्केट प्राइस निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा है, मान लो टीवी का वैल्यू इतना है प्लस उस पर से 9% का टैक्स ऐड किया, दैट इज इक्वल टू 13,407। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। फ्रेंड्स मुझे लगता है अब आपको जो है थोड़ा सा मेरा जो है मैथ इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, हो सकता है पहले पहले की वीडियो बहुत दिन के बाद मैंने बनाई थी तो वो आपके हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, बट मुझे लगता है अभी सही हो जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाय 25% एंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर डिक्रीज बाय 30% इज बाइस। सिंपल सा है, मान लीजिए कोई नंबर 100 है,
अब इसमें 25% का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरा नंबर है 25% 30% का डिक्रीज हुआ, तो ये हो गया 125, ये हो गया 70। अब ये दोनों का डिफरेंस जो है 22 है, मतलब 125 माइनस 70, दोनों का डिफरेंस हो गया 22, ये कितना हो गया। अब यहाँ देखिए ये परसेंटेज है फ्रेंड्स, ये परसेंटेज है, तो ये आ जाएगा 30 20 50, 55% इक्वल टू 22। ठीक, तो 55/100 यहाँ रह, देखिए 55/100 इक्वल टू 22। तो 22 इक्वल 200/55, 11 2 22, 11 5 55, 5 से 20 इक्वल टू 40%। आगे आंसर इसी तरह से फ्रेंड्स आगे देखते चलना है, सिंपल है। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे चैप्टर को क्लोज करते हैं। आप इसको जो भी है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, जो भी परसेंटेज क्वेश्चन है आप बनाइए, कहीं भी इशू हो तो आप हमें मैसेज में या कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं उसको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। और आपको अगर हमारा वही लास्ट में फिर से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, आपका जितना सहयोग मिलेगा उतना ही मुझे खुशी होगी। ठीक, थैंक यू।